हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो थंबनेल में देखा और अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनकम टैक्स में किए गए हैं कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स। सबसे पहला अपडेट किया गया है, जब आप इनकम टैक्स के ई फाइलिंग की ऑफिशियल पोर्टल में अपने इनकम टैक्स अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो आपको पहले जरूरत पड़ती थी यूजर नेम, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड की। अब लेकिन फ्रेंड्स, आप अपने इनकम टैक्स के अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं बिना डेट ऑफ बर्थ के, यानी कि सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड की हेल्प से आप अपने इनकम टैक्स के अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं, जहां पर डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है, जब आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन होने के बाद ऑनलाइन रिटर्न्स फाइल कर देते हैं और उसके बाद जो भी इनकम टैक्स रिटर्न की पीडीएफ फाइल जनरेट होती है और उसे ओपन करने के लिए पहले पासवर्ड्स का वैलिडेशन था और उसे पासवर्ड के थ्रू ही ओपन किया जा सकता था। लेकिन फ्रेंड्स, अब ये सभी फाइल्स जैसे कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न की आईटीआर फाइल, आईटीआर वी फाइल, आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स के एक्नॉलेजमेंट, ये सभी ओपन किए जा सकते हैं अब विदाउट पासवर्ड। तो चलिए फ्रेंड्स, चेक करते हैं इन दोनों लेटेस्ट अपडेट्स को इनकम टैक्स के पोर्टल पर लाइव। फ्रेंड्स, हम इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल में हैं। तो फ्रेंड्स, हम लॉगिन करने के लॉगिन हियर पे क्लिक करते हैं और हमारे सामने ये लॉगिन का एक पेज ओपन हो जाता है, जहां पर हमें यूजर आईडी, पासवर्ड और इन कैप्चा लेटर्स को फिल करके लॉगिन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यूजर आईडी दे देते हैं। यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं फ्रेंड्स, आपके इनकम टैक्स अकाउंट में लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी आपका परमानेंट अकाउंट नंबर ही होता है। तो हम यहाँ पर यूजर आईडी टाइप कर देते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स हम पासवर्ड टाइप कर देते हैं और उसके बाद कैप्चा लेटर्स को फिल कर देते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पहले किसी भी इनकम टैक्स अकाउंट होल्डर के अकाउंट में लॉगिन होने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ डेट ऑफ बर्थ की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, लेकिन अब बिना डेट ऑफ बर्थ डाले ही आप सिर्फ यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए अपने अकाउंट में लॉगिन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लॉगिन बटन पर प्रेस करते हैं और अब हम आ गए हैं अपने इनकम टैक्स अकाउंट के डैशबोर्ड में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपने इनकम टैक्स अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं बिना डेट ऑफ बर्थ को फीड किए हुए। अब फ्रेंड्स, जो दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है वह यह है कि आप अपने इनकम टैक्स अकाउंट से जब भी इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग करते हैं, उसके बाद उस फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न की एक फाइल जनरेट होती है, एक आईटीआर भी फाइल जनरेट होती है और एक्नॉलेजमेंट फाइल जनरेट होती है। वे सभी फाइल को ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड फिल करना पड़ता है, तभी वो फाइल्स ओपन होती है। लेकिन फ्रेंड्स, अब यह वैलिडेशन भी हटा दिया गया है, अब बिना पासवर्ड के ही वे फाइल्स ओपन हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के लिए हम आपको दिखाते हैं, आप यहां पर से व्यू रिटर्न्स ऑब्लिक फॉर्म्स वाले सेक्शन में आइए, क्लिक कीजिए और उसके बाद यहां पर आप सिलेक्ट एन ऑप्शन में इनकम टैक्स रिटर्न को सिलेक्ट कीजिए और सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। अब फ्रेंड्स, यहां पर आपके जो भी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किए होंगे वे सभी यहां पर दिखाए जाएंगे। हम आपको दिखाने के लिए कोई भी एक लिंक में क्लिक करते हैं और यहां पर देखिए फ्रेंड्स, आईटीआर वी और एक्नॉलेजमेंट और आईटीआर फॉर्म जो आपके इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड है उनका यहां पर लिंक दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आईटीआर वी एक्नॉलेजमेंट वाले इस लिंक पर क्लिक करते हैं और यहां से जो पीडीएफ फाइल जनरेट होती है उसे हम डाउनलोड कर लेते हैं और उस डाउनलोड फाइल को ओपन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यह आईटीआर वी की जो पीडीएफ फाइल है यह आसानी से ओपन हो गई, लेकिन पहले इसी फाइल को ओपन करने के लिए पासवर्ड लगता था और अब वह पासवर्ड की रिक्वायरमेंट इस नए अपडेट के बाद नहीं है। उसी तरह से फ्रेंड, हम यहां पर जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं उसका आईटीआर का जो फॉर्म है उसकी पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड करते हैं और सेव करने के बाद उस पीडीएफ फाइल को ओपन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले इस पीडीएफ फाइल को भी ओपन करने के लिए पासवर्ड की जरूरत पड़ती थी, लेकिन इसमें भी पासवर्ड का वैलिडेशन हटा लिया गया है और अब ये बिना पासवर्ड के ही ये फाइल ओपन हो जा रही है आसानी से। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, हम जब हमारे माई अकाउंट वाले इस ऑप्शन में आकर व्यू फॉर्म 26S को भी देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करते हैं और ट्रेसेस की वेबसाइट में आके फॉर्म 26S किसी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए सिलेक्ट करने के बाद उसे एक्सपोर्ट एज PDF करते हैं और उसे सेव करने के बाद उस PDF को भी ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह देखिए, यह 26AS से रिलेटेड PDF फाइल भी आसानी से ओपन हो गई और इसमें भी किसी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने इनकम टैक्स के इन अपडेट्स की जानकारी को देने के साथ साथ आपको इन अपडेट्स की लाइव चेकिंग भी करके दिखाई। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं हमारे वीडियो में दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये आपको अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और आपके सभी फ्रेंड्स, कलीग्स और आपके जानने वालों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल्स को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम फिर मिलते हैं
हैं ऐसे एक नए वीडियो को लेकर। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।